जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के महामंदिर थाना इलाके के रहने वाले हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अरविंद कालानी के साथ वायदा कारोबार में पूर्वानुमान बताकर हुई 16 करोड़ 26 लाख की ठगी के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। जोधपुर पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया। यही नहीं, पुलिस ने ठगी के शिकार व्यापारी से ठगी गई 33 लाख रुपये की राशि भी अलग अलग खातों को फ्रीज करवाकर पीड़ित को पुनः दिलाई। डीसीपी डॉक्टर अमृता दून ने बताया कि इस मामले में दीपक सोनी और मानव गर्ग नामक दो आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया है, जो उदयपुर के ही रहने वाले हैं। दीपक सोनी का खाता मानव गर्ग ने किराए पर लिया ताकि फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया जा सके। इसके एवज में उसको 25,000 रुपये मिलते थे, जबकि मानव को ट्रांजैक्शन पर कमीशन के रूप में 5-7% की राशि मिलती थी। इस मामले में पुलिस की एक टीम पुणे भी गई और अन्य खातों में हुए ट्रांजैक्शन के बारे में भी जांच की। जोधपुर पुलिस की साइबर टीम ने कुल 8 खातों को फ्रीज करवाया है, जिनमें 1 से 21 नवंबर के बीच बदमाशों ने अरविंद कालानी को 49 करोड़ का मुनाफा बताकर कमीशन के 16 करोड़ रुपए लिए थे, जबकि कालानी को मुनाफे का एक पैसा भी नहीं दिया था। डीसीपी डॉक्टर अमृता धवन ने बताया कि इस पूरे मामले में यह भी सामने आया कि दीपक सोनी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहता है और उसका एक दोस्त दिल्ली में 8 करोड़ की ठगी के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है। पुलिस अभी इन आरोपियों से और गहनता से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस व्यापारी के खाते से देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में हुए बैंक खातों से हुए ट्रांजैक्शन को भी खंगाल रही है। गौरतलब है कि व्यापारी के साथ ठगी करने के दौरान इन आरोपियों ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्हाट्सएप कॉल करके उससे संपर्क किया, उसे अच्छा मुनाफा देने का लालच देते हुए उसे लगातार राशि निवेश करवाई थी। लेकिन जब आखिर में व्यापारी ने अपना मुनाफा मांगा तो आरोपियों ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया। यही नहीं, व्यापारी से सभी संपर्क भी खत्म कर दिए, जिसके बाद व्यापारी ने इस संबंध में महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के मामले से जुड़े तार खंगालने शुरू किए। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से जांच करने में जुटी है। पुलिस को इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। 11/2022 को पीड़ित अरविंद कालानी ने थाना महामंदिर जोधपुर पूर्व में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक वेब पेज है, वेबसाइट है metaoption.global, जिसमें उनके द्वारा 16 करोड़ 26 लाख की ठगी की गई है। जब ये मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान हमने किया तो इसमें पाया कि उनके पास इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से उनको ये बताया गया कि इसमें अगर आप निवेश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, जबकि वो साइट बिल्कुल फर्जी थी और उसमें जो भी इन्वेस्ट कर रहे थे वर्चुअली उनको अपना फ़ायदा दिख रहा था, बढ़ते हुए दिख रहे थे उनकी जो पूंजी है और उसमें वो जो कमीशन साथ में प्रति जो उनकी ट्रेडिंग हो रही है एज वो फोरकास्टर एडवाइज़र का भी काम कर रहे थे और उसके लिए 20%, 30% या 40% अलग अलग ट्रांजेक्शन्स पे वो कमीशन ले रहे थे। तो 1 नवंबर से लेकर और 28 नवंबर तक लगभग 16 करोड़ 26 लाख का उनके साथ धोखाधड़ी हुई, क्योंकि जब उन्होंने वापस मांगना चाहा कि अब मेरे रिटर्न्स मुझे दीजिएगा, तब उनसे सारे संपर्क तोड़ दिए गए। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस निवेश में जुड़े हुए थे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और उनको वापस कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। पता चला वो सब पूरा जो एक मामला है वो पूरा फ्रॉड। इस पर हमने तुरंत इसको गंभीरता से, साइबर फ्रॉड को गंभीरता से लेते हुए हमने कई टीमों का गठन किया। हमने सबसे पहले ट्रैक किए कि कहाँ कहाँ खाते में किधर पैसे गए हैं, तो पता चला कि 8 खातों में इनके माध्यम से, मतलब खाते से खाते 8 खातों में 16 करोड़ 26 लाख रुपए गए हैं। वो खाते राजस्थान में उदयपुर के, अहमदाबाद गुजरात, पुणे मुंबई महाराष्ट्र, केरला, ऐसे विभिन्न राज्यों में अलग अलग खातों में इतने पैसे गए हैं।